आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहला है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कोई भी कर्व है वहाँ पे अगर उसको टेंजेंट वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये कर्व है, इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ किए, इसका यहाँ थीटा है, तो स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाता है। ऐसे भी हम लोग स्लोप पढ़ चुके हैं कि एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू माइनस वाई वन क्या है, चेंज इन वाई, यह है चेंज इन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव या वाई डैस या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं। तो इसका भी इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो dy वाई बाई डी एक्स जीरो होता है, क्योंकि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो लाइन पैरल टू x एक्सिस होगा, और x एक्सिस के पैरल लाइन है तो दोनों के बीच का एंगल, लाइन और x एक्सिस के बीच का एंगल हो जाएगा जीरो डिग्री। तो जीरो डिग्री में टेन जीरो डिग्री जीरो होता है, इसलिए ये होता है। ये सारा फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, एक्स टू दी पावर एन, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स, दोनों में डिफरेंस है, एक्स टू दी पावर एन, आई टू दी पावर एक्स में। यहाँ पे बेस वेरिएबल है, यहाँ पे पावर वेरिएबल है, ठीक है। जब पावर वेरिएबल होगा तो ए टू दी पावर एक्स एल एन ऑफ ए होता है। अगला है लॉग एक्स, बेस अगर ई है तो वन बाई एक्स होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। लिख लीजिए इसको, आगे और भी फार्मूला है, मगर उसके पहले टाइप वन क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। अगर डेरिवेटिव निकालना है, बीच में प्लस या माइनस साइन रहेगा, तो हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो दिया रहेगा, समझ लो टाइप वन, अगर रहेगा y इक्वल टू सी वन एफ वन एक्स प्लस सी टू एफ टू एक्स माइनस सी थ्री एफ थ्री एक्स, अब प्लस सी फोर लिखा हुआ है। इस केस में अगर प्लस या माइनस रहेगा तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसका वाई डैस निकालोगे तो सी वन यही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा एफ डैस ऑफ एक्स वन सी टू एफ डैस टू एक्स माइनस सी थ्री एफ डैस थ्री एक्स, ठीक है। इसको लिख लो, प्लस या माइनस रहेगा तो ये काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिख देंगे y इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस थ्री का पावर x प्लस x का पावर फाइव माइनस एल एन टू एल एन ऑफ x, एल एन या log वैसे ही एक ही चीज़ है, ठीक है। अब प्लस फाइव लिखा हुआ है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो y डैश हो जाएगा साइन x का cos x होता है तो थ्री cos x हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टू साइन एक्स हो गया। ये हो गया ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला, हो जाएगा थ्री टू दी पावर एक्स एल एन ऑफ थ्री। अगला हो जाएगा फाइव एक्स टू दी पावर फोर माइनस टू बाई एक्स, अब कॉन्स्टेंट का जीरो होता है तो प्लस जीरो हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, तो अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप का सारा क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। मगर अगर देखो y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, इस केस में ये x जो है ये रेडियन में है, ठीक है। अगर dy बाई डी एक्स कहेगा तो इस केस में हो जाएगा cos x, मगर अगर लिखा रहता y इक्वल टू साइन एक्स डिग्री रहेगा तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वाई इक्वल टू लिख देंगे साइन ऑफ पाई एक्स बाई 180, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, कि जान लो डिफरेंशिएशन में जो एक्स का कोफिशियंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे वाई डैश निकालेंगे तो साइन का कॉस होगा कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 180 हो जाएगा, और एक्स का कोफिशियंट पाई बाई 180 दिख रहा है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी एक्स का कोफिशियंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है, जैसे वाई इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू ई टू दी पावर टू एक्स रहेगा तो वाई डैश निकालोगे तो ई का पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होता है, ई टू दी पावर टू एक्स हो गया,
एक्स का कोफिशियंट 2 दिख रहा है, आगे 2 मल्टीप्लाई कर, आगे हम लोग चैन रूल में सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी डिग्री रहेगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। मगर अगर क्वेश्चन होता है वाई इक्वल टू साइन एक्स डिग्री होता है, कहता फाइंड डी वाई बाई डी एक्स डिग्री, डिग्री के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट तुम लोग कॉस एक्स डिग्री लिख देना अगर डिग्री रहेगा तो, रेडियन रहेगा तो इसको रेडियन में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो पहला चीज याद रखिएगा, आगे इसको मिटा दे रहे हैं। इसे लिखा रहेगा y इक्वल टू एल एन ऑफ 3x लिखा रहेगा, तो log x का जानते हैं कि 1 बाई एक्स होता है, तो dy वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स नहीं है, 1 बाई 3x है, तो 3x लिख दिए। मगर x का कोफिशियंट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 कट गया, इक्वल टू 1 बाई एक्स। मतलब कि log वाले केस में जो x का कोफिशियंट रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर 1 बाई एक्स ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए डायरेक्ट उसका आंसर 1 बाई एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। आगे जैसे कि इसको मिटाते रहे, इसे लिख देंगे y इक्वल टू एल एन ऑफ ए एक्स रहेगा, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स, उसमें ए से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी कोफिशियंट रहेगा डायरेक्ट आपका आंसर 1 बाई एक्स होगा। मगर इस केस में बेस क्या है, ई है, अगर बेस ई नहीं रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे, इसको मिटा देना है, ठीक है। अगर आपका बेस ई नहीं रहेगा तो इसे लिख देगा वाई इक्वल टू लॉग एक्स लिखा, यहाँ पे बेस क्या है कि 2 है, तो इसको बेस को ई बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए अगर लॉग का प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है तो लॉग एक्स बाई लॉग 2 करते हैं, ठीक है, और दोनों का बेस ई दे देंगे, ये ई दे देंगे, ये तो कांस्टेंट है, अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स लॉग 2 बेस ई हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई बड़ा हो जाएगा 2 छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस 2 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हो कि जब बेस रहेगा तो यहाँ पे देखो 2 आ गया, यहाँ पे ई आ गया, तो अगर तुम्हारा बेस कुछ और रहेगा, जैसे लिखा रहेगा लॉग एक्स बेस ए रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा लॉग ई बेस ए डिवाइडेड बाई एक्स, ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया अगर बेस कुछ और रहेगा। अगर बेस ई रहेगा तो लॉग ई बेस ई 1 हो जाता है, तो 1 बाई एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका लॉग का, आगे बहुत तरह का टाइप है, अभी फार्मूला लिखते रहे, आप सारा फार्मूला याद कर लीजिए। वहाँ पे 8 फार्मूला लिखा दिए थे, 9th फार्मूला है वाई इक्वल टू कॉस एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, वाई इक्वल टू सेक एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक लो। अगला इनवर्स फंक्शन का है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिखिए इसको मिटाते रहे, आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। y इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1,
वाई इक्वल टू sec इनवर्स x, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस। इतना फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अब डिफरेंशिएशन का लेक्चर टू में हम लोग सारा फार्मूला यूज़ करेंगे, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, अभी बहुत सारा टाइप है डिफरेंशिएशन में, सारा टाइप का हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, आप क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस कीजिएगा, एनसीईआरटी बनाइए, उसके बाद कोई भी अगला किताब है, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल है, ठीक है, अरिहंत का बुक है डिफरेंशिएशन, उसका बना सकते हो। ऐसे सब मैच करता रहेगा डिफरेंशिएशन में, किसी और बुक में मिल जाएगा, मिलते रहता है, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिए, ठीक, थैंक यू।